सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम तौफीक है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स के बारे में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर्स की जो जॉब है वो बहुत अच्छी जॉब है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे जितने भी मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर का ही काम होता है। ठीक है, अगर फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अपनी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स क्या करेगा, जो जो मैं बोलूँगा उस बंदे को तो वो उसको करना पड़ेगा। लाइक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फाइल्स में रखना, ठीक है, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, क्या सैलरी रहेगी, क्या आपको करना पड़ेगा, कितना घंटे ड्यूटी रहेगा, ठीक है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास में ये जो ओपनिंग्स होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर्स की, सऊदी अरब में या दुबई में या किसी भी कंट्री में चले जाएँ और किसी भी ऑफिस में चले जाएँ, ईज़िली आपको ये जॉब जो है मिल जाती है। इसमें ऐसा साइंस रॉकेट कोई नहीं है और आप आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास में फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए 5, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में। ड्रेसिंग सेंस आपका थोड़ा अच्छा सा होना चाहिए, ठीक है, कि ऑफिस में जब आप काम करेंगे तो ड्रेसिंग सेंस ऑब्वियसली आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस के जो लोग होते हैं प्रॉपर अपने ड्रेसिंग सेंस में आते हैं, यूनिफॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो थोड़ा सा लाइक अच्छा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे लाइक एजुकेशन की जो डिग्री है वो कौन सी होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, या तो आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या बैचलर डिग्री हो आपके पास में, या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट में। ठीक है, इसके अलावा आप रिकॉर्ड मैनेजमेंट में आपके पास में कोई डिप्लोमा हो या बैचलर डिग्री हो, ठीक है, ये डिग्री चाहिए होती है। बाकी इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कोई बंदा BA किया हुआ है, ठीक है, या BSc किया हुआ है, उनका लक खुल जाता है और जॉब लग जाती है। ठीक है, तो एक बार कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है, कोशिश करते रहें यहाँ पे एक बार, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल 3,000 सैलरी है और आपने जो डिग्री किया हुआ है वो लाइक दूसरा डिग्री किया हुआ है, BA किया हुआ है, फॉर एन बैचलर आर्ट, तो इसमें आपको सैलरी 2,000 या 2,500 इस तरीके से आपको वो थोड़ा बहुत कम करके मार्जिन उसमें सैलरी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, बट आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही आप जाएं, एजुकेशन हासिल की आपने उसी में जाएं। इसके अलावा आपको MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल आपको आनी चाहिए, ठीक है, और नोट पैड एंड पैंट्स वगैरह आना चाहिए, ठीक है, और टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं सीरियसली, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लाइक नोट पैड पैंट्स एंड टाइपिंग वगैरह नहीं आती है, तो इसका हम एक छोटा सा कोर्स लॉन्च करेंगे यहीं पे, ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ भी है, डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे दूंगा, आप वहाँ पे मुझे मेल कर दें या फिर कमेंट्स बॉक्स में मैं यहाँ पे वहाँ पे भी आपको मेल आईडी दे दूंगा। ठीक है, तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी हम आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है, कमेंट्स करें आप, अगर आपको ये कोर्स करना है डेफिनेटली हम आपको ये कम से कम कॉस्ट में हमारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसको। ठीक है, इसका जो चार्जेस रहता है ओनली 450 रुपीज़ रहता है। ठीक है, इसमें हम आपको ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे करा देंगे, कोई इशू नहीं आएगा आपको इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस क्या रहता है, एक्सपीरियंस आपको 2 साल का चाहिए होता है। ठीक है, फ्रेशर ऑल्सो कैन अप्लाई। वर्क स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है, फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन आने करके रखने चाहिए, और जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे पास में जो फाइल रखी हुई है, ठीक है, इनमें जो मुझे फ़ाइल चाहिए होती है वो मेंटेन करके रखनी होती है, ये फाइल्स आपको मेंटेन करके रखनी होती है, एंड जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स होती है, उसको आप सेफली एंड सिक्योरली आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर बाहर से आता है, ठीक है, उसकी जो फाइल अलग से बनती है उसको आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको आनी चाहिए और आपको यही काम करना होता है। ठीक है गाइज, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई आप इसी ईजी तरीके से कर सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप गूगल पे जाएंगे, सीधा गूगल पे टाइप कीजिए कि डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर्स की जो जॉब है वो कौन कौन सी कंपनी हायर कर रही है। ठीक है, तो आप गूगल में जाएँ,
आसान तरीका है, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है आपको इसका। ठीक है, गूगल में जाएं, सर्च करें और अप्लाई करें। ठीक है, प्रोफाइल बनाएं, लिंक्डइन पे बनाएं आप, और इंडीड पे बनाएं, बयात पे बनाएं, इन पे फाइल्स अपनी बनाएं, अकाउंट बनाएं आप इन पे अपना, और अप्लाई करें। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी एजेंट का कोई चक्कर आपको नहीं है। ठीक है, या फिर आप हमारे द्वारा भी मेल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ पे आप हमें मेल कीजिए। फेसबुक पेज का लिंक रहेगा, उस पर क्लिक करके फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं, कमेंट्स में कोई सजेशन देना चाहता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो हम आपको वहाँ पे मैसेज करने की पूरी कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी 2500 टू 3500 तक सैलरी आपकी रहती है इसमें, और कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस और फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, और फ्री ट्रांसपोर्टेशन, ये कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा, और कंपनी आपको मंथली रिचार्ज भी पे करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एडिशनल बेनिफिट हुआ कंपनी की तरफ से, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर्स में ज़्यादा कॉल्स आती हैं और बात करनी पड़ती है, क्योंकि एक मैनेजर यहाँ पे बैठा हुआ है तो दूसरा मैनेजर दूसरे कैबिन में बैठा हुआ है, तो क्या करते हैं, कॉल करते हैं आपस में ज़्यादा। ठीक है, तो कंपनी आपको मंथली रिचार्ज भी पे करेगी। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक टाटा टेक केयर, बाय।